प्रदेश में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार अभियान तो चलाया जा रहा है, लेकिन अपराधियों को पुलिस का जरा भी डर नहीं है और बदमाश सरेआम पुलिस पर फायरिंग भी कर रहे हैं। ताजा मामला भागलपुर के आदमपुर थाना क्षेत्र का है, जहां बदमाशों ने पुलिस की गश्ती के दौरान अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। दरअसल जमुई सिकंदरा थाना क्षेत्र के निझोरी गांव के किशोरी मंडल के बेटे अभिमन्यु कुमार को अपराधियों ने पैसे के लेन देन में 2 दिन पहले अपहरण कर लिया था और पिता से 6 लाख की डिमांड की गई थी। पैसे नहीं देने पर हत्या की धमकी दी गई थी। इसके बाद परिजनों ने जमुई पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई तेज कर दी और अपार्टमेंट को पूरी तरह से घेर लिया और अपहरणकर्ताओं ने पुलिस को देखकर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें थाना के बबलू कुमार दरोगा बाल बाल बच गए, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर अपहरित अभिमन्यु को सकुशल बरामद कर लिया और मामले की जांच में जुट गई है। एक अपार्टमेंट में रखा गया है और उससे पैसे की मांग की जा रही है। इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए एक SHO जो प्रभारी SHO है अभी जोगसर के, उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। जब वो वहाँ पे गए तो वहाँ पे पाए कि एक फ्लैट के अंदर एक व्यक्ति को जबरदस्ती जबरन रखा गया है और वहाँ पे कई लोग थे। और जब वो टीम वहाँ पहुँची थी तो उसके बाद जब लेकर के आ रही थी तभी एक फायरिंग की भी आवाज़ सुनाई दी, परंतु पुलिस के द्वारा जो सभी वहाँ पे जो लोग थे और जो वहीं मुजफ्फरपुर में ऑटो ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला मामियारी थाना क्षेत्र का है, जहां देर रात सवारी को छोड़कर ऑटो चालक घर लौट रहा था, तभी बदमाशों ने लूटपाट के दौरान गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने NH-28 को जाम कर दिया और पुलिस के खिलाफ अपना आक्रोश जताने लगे। वहीं घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को समझा बुझा कर शांत करवाया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रशासन का क्या है, प्रशासन तो जो है से कि जो अभी आए किए हैं, 1 घंटा से लगा हुआ अभी आकर के जो है से बैठे हुए हैं। हमारी मांगे जो कोई सुनवाई नहीं, नहीं है, कोई प्रशासन नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। 5 बजे के लिए दौड़ते हैं, आज क्या हुआ था, आज कहाँ थी, वर्तमान में क्या डिमांड क्या है? डिमांड क्या है सर, डिमांड वही होगा जो यहाँ जो पहले फैसला होगा कि जब हम लोग प्रशासन के सामने सुरक्षित नहीं है तो अभी इसके बाद क्या होगा, हम लोग सुरक्षित कहाँ है, कहीं से हम लोग सुरक्षित नहीं देख रहे हैं। आज देखिए सुबह ऑटो चालक है, उसका कुछ यात्री बैठा हुआ था, उसमें अज्ञात अपराधकर्मी पीछे से मोटरसाइकिल से लेकर के आ रहा था और वो ओवरटेक करके उसको गोली मार दिया ड्राइवर का। ऑटो चालक चूँकि यहीं पर गोली लगने से गिरे हुए थे, गिरे अवस्था में उनको समय पर अस्पताल नहीं ले जाया जा सका और पब्लिक उनको सपोर्ट यदि करती तो शायद उनकी ज़िंदगी बच सकती थी। उनके बाँह में गोली लगी थी, एक्सेस ब्लडिंग होने कारण से उसकी मृत्यु ऑन स्पॉट हो गया है। उसी कारण से वो लोग आक्रोशित थे कि यहाँ पर महज NH रोड है, इस पर 5 बजे सुबह घटना घट रही है, आक्रोशित थे लोग। उस पर काफ़ी देर तक इन्होंने रोड को भी कुछ देर तक जाम कर रखा था। हम लोगों ने आकर के और जनप्रतिनिधि यहाँ के काफ़ी सक्रिय रहे, सक्रिय होकर के हम लोगों ने इसका जाम फिलहाल हटाया हुआ है और जो डेड बॉडी था उसका पोस्टमार्टम के लिए हम लोगों ने भेज दिया है। जो आगे की कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई, सारा कार्रवाई की जाएगी। देखिए जो विधिवत व्यवस्था है सरकार में मुआवजा मिलने का, वो सारा मुआवजा मिलेगा इनको। उसमें चूँकि ये हत्या जो हुई है, इनके बच्चे काफ़ी छोटे छोटे हैं, तो उसमें और भी जो कुछ मुआवजा मिल सकता है जो प्रावधान के तहत, उसके लिए प्रयास किया जाएगा कि उनको समय पर मिल जाए। और अपराधी, सबसे बड़ी बात है कि जो अपराधी जिसने घटना किया है, तो मैंने यहाँ के आस पास के लोगों को से भी मैंने कहा है कि यदि कौन कौन इस तरह के अपराधी हो सकते हैं, चूँकि वो सकरा जाती है आगे का रास्ता, इस मुख्य मार्ग पर ही घटना घटी है, तो अपराधी पर हम लोग अविलंब कार्रवाई करेंगे। वहीं पूर्णिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां शहरी क्षेत्र में बंद घरों में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस टीम ने 13 चोरों को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि चोरी का सामान बेचने के लिए चोर इकट्ठा हुए हैं, तभी पुलिस ने घात लगाकर 3 चोरों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया और चोरों से पूछताछ कर उनके अन्य 10 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। SP विशाल शर्मा ने कहा कि इस गिरफ्तारी के बाद चोरी की घटना में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि इन सभी चोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। शहर में खास करके जो मेन टाउन है और सदर अनुमंडल के एरिया, यहाँ पे भारी संख्या में लोगों के घरों में चोरी की घटनाएं हो रही थी,
अक्सर अभी दुर्गा पूजा के मौके में भी देखा गया कि लोग मेला देखने जाते थे तो रात में उनके घरों में जा करके बर्गलरी और कई प्रकार की घटनाएं की गई। तो उसमें काफी समय से पूर्णिया पुलिस की विशेष टीम एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में और हमारी जो तकनीकी टीम है टेक्निकल टीम वो काम कर रही थी। तो उसी के आधार पर हम लोग ने बहुत करते हुए एक जो इसका मास्टर माइंड उस ग्रुप का था, करीब ये लोग 15-20 की संख्या में एक गैंग काम करता था जो डिफरेंट जगहों पे एक ही साथ घटनाएं करते थे। तो उसको हम लोग ने जीरो डाउन किया और उसके बाद जो उसकी मेन सरगना थी सिमिया कमो, जिसको पूर्व में भी इसी प्रकार की घटनाओं में जेल भेजा गया है, उसको और उसके अन्य 12 साथियों को, तो कुल 13 लोगों को हम लोग ने सामान के साथ में अरेस्टिंग करी। और विभिन्न जगह से आप देख सकते हैं काफ़ी भारी संख्या में जो घरों में चोरी किया गया सामान था उसकी बरामदगी की गई है, जिसमें काफ़ी कीमती सामान है, लैपटॉप है, टेलीविज़न है, LED टेलीविज़न है, सोने चांदी के जेवरात हैं, मोबाइल वगैरह हैं, करीब 1.5 ट्रैक तक सामान की रिकवरी हुई है। इन लोगों ने इतना पूर्णिया को तंग कर रखा था, तो करीब दर्जनों कांडों में लोग वांछित थे और इस प्रकार की घटनाएं कारित की थी। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गैंग ऑपरेट और बड़ी संख्या में हो रहा था, जिससे आम लोगों की पकड़े गए चोरों के पास से 2 लैपटॉप, सोने के जेवरात और 5 फोन के साथ एक टीवी, ताला तोड़ने के सामान जैसे हथौड़ा, दबिया, चाबी भी बरामद की गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागलपुर से सुशील कुमार, मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी और पूर्णिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।